अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मुबारक है आपको यहाँ का आने का, मुकीम साहब बाबा दरगाह में आके एक समुंदर पार हर के आप आ गए दीदार करने के। अल्लाह पाक आपकी मुराद पूरी करे, मुकीम भाई शर्मा का करम हो जाए आप पे, हर भला हमसे दूर हो जाइए। और उरूस कैसा रहा इस बार का? इस बार माशाल्लाह सबके चेहरे पे रौनक है। 4 साल के बाद एक बार लॉकडाउन लगने के बाद आज पहली बार हरा भरा दिख रहा है और भाई की मुस्कान भी आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह लग रहा है, दिल को सुकून लग रहा है। यहाँ पे आइए, मेरे लिए मत आइए, मुख्यमंत्री के बाबा की तरफ से आइए। आइए नज़ारा देखिए, माशा देखिए और नज़ारा एक बार क्या नज़ारा देखो, एकदम क्या बात। उसके बाद आपको खाना पीना है, कभी भी आइए यहाँ पे सब सीज पराठा कबाब पाव हर चीज की सहूलत है, कोई किसी का टेंशन नहीं है, बस आइए दरबार पे, कोई खाली नहीं जाएगी। पहले यहाँ पे ना बहुत साल पहले लोग आते थे तो बोलते थे कुछ भी नहीं मिलता है आसपास, नहीं मिलता, लेकिन माशाल्लाह से इस बार मैं आया देखा उरूस तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छी तरीके से मैनेज हुआ है यहाँ के, मतलब देख के लग रहा है और खाने पीने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। बच्चे लोग पूछिए, बच्चे लोग क्या भाषा पे एंजॉय करते हैं, क्या उठा करते हैं, धाना धोना जो कितनी मुस्कान है बच्चे लोग की, माशाल्लाह इस दरबार में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक माशाल्लाह सब खुश है। तो आइए हैं भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह से देखिए ये दरगाह के अंदर जो प्रीमाइसेस है उसमें देखिए ये सारी चीजें हैं। ये बच्चे लोग के छोटे छोटे स्टील के खिलौने, माशाल्लाह से पूरा मेला लगा हुआ है यहाँ पे। क्या बात है क्या बात है। ये दरगाह शरीफ है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं उरन की दरगाह पे, एक दिन मिस हो चुके हैं। उरन में जो दरगाह है उसका उरूस चल रहा था और आप देख सकते होंगे मेरे आगे पीछे उरूस कल ख़त्म हो चुका है, लेकिन लोगों की भीड़ उतनी ही है, स्टॉल्स नंबर ऑफ इतने ज़्यादा है और लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है। चलिए आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या उरूस में था जो हमने मिस कर दिया, लेकिन फिर भी हमको आज बहुत सी चीज़ें देखने मिलेगी। तो चलिए वो देखते हैं, फिर दरगाह शरीफ की ज़ियारत भी करेंगे। ये दरगाह के अंदर जाने का एंट्रेंस है, ये वहाँ चादर वगैरह सब मिल रही है। बहुत ज़्यादा गर्म भी हो रहा है यहाँ पे, हालत देख सकते होंगे हम लोग सबकी गर्मी से। और वो जो मेन गेट है वहाँ से हम अंदर आए हैं। ये माउसी है, इनसे एक चादर ले लिए हैं, चलिए अंदर चलते हैं। चलो
हेलो दोस्तों, माशाल्लाह से ज़ियारत तो कर लिया, वीडियो अलाउड भी नहीं था और अच्छा भी नहीं लगता था अंदर का वीडियो निकालने। तो चलिए आपको मैं उरूस का, जो उरूस के दौरान मेला लगा हुआ था, उसका एक टूर दे देता हूँ यहाँ पे, ताकि इंशाल्लाह ताला अल्लाह आप सबको और मुझको तौफीक दे कि नेक्स्ट ईयर ऐसी टाइम पे उरूस के दिन हम लोग आए। माशाल्लाह ये हज़रत मुकीम शाह बाबा का जो उरूस लगा हुआ था, संडे होने की वजह से आज भी बहुत पब्लिक आई है। उरूस कल रात में ख़त्म हो चुका है और पब्लिक देखिए माशाल्लाह। बच्चों के खिलौने, देखिए बाकायदा माशाल्लाह पूरा मेला लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? बहुत बहुत मुबारक है आपको यहाँ का आने का। मुकीम शाह बाबा दरगाह में आके एक समुंदर पार हर के आप आ गए दीदार करने के। अल्लाह पाक अपनी मुराद पूरी करे, मुकीम भाई शर्मा का करम हो जाए आपसे, हर भला मुझसे दूर हो जाइए। और उरूस कैसा रहा इस बार का? इस बार माशाल्लाह सबके चेहरे पे रौनक आई। 4 साल के बाद एक बार लॉकडाउन लगने के बाद आज पहली बार हरा भरा दिख रहा है और भाई की मुस्कान भी आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह लग रहा है, दिल को सुकून लग रहा है। यहाँ पे आइए, मेरे लिए मत आइए, मुकीम भाई बाबा की तरफ से आइए। आइए नज़ारा देखिए माशा, देखिए क्या नज़ारा, एक बार क्या नज़ारा देखो, उतर था पूरा क्या बात। उसके बाद आपको खाना पीना है, कभी भी आइए यहाँ पे, सब चीज़ पराठा कबाब पाव हर चीज़ की सहूलत है, कोई किसी का टेंशन नहीं, बस आइए दरबार पे, कोई खाली नहीं जाएगी। पहले यहाँ पे ना बहुत साल पहले लोग आते थे तो बोलते थे कुछ भी नहीं मिलता है आसपास, नहीं मिलता, लेकिन माशाल्लाह से इस बार मैं आया देखा उरूस तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छी तरीके से मैनेज हुआ है यहाँ के, मतलब देख के लग रहा है और तो खाने पीने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। बच्चे लोग पूछिए, बच्चे लोग क्या खाते हैं, एंजॉय करते क्या, बड़ा एंजॉय करते क्या, नहीं नहाना धोना जो कितनी मुस्कान है बच्चे लोग की माशाल्लाह। इस दरबार में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक माशाल्लाह सब खुश है, तो आइए भाई इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह से आप देख रहे होंगे हर धर्म के लोग यहाँ पे हैं और हजरत मुकीम शाह बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी देने आए हैं। संडे की वजह से आज उरूस का आखिरी दिन है। माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। हर चीज़ अवेलेबल है, स्मोकी बिस्किट, पानी पूरी तो फेवरेट है सभी का। यहाँ पे मोमोज भी है, माशाल्लाह से पूरा जो उरूस के दौरान मेला लगा था हजरत मुकीम शाह बाबा की दरगाह में, तो ये पूरा घूम लिए बहुत अच्छे से। यहाँ की कमेटी ने इंतज़ाम किए हैं और यहाँ पे जिन्होंने भी स्टॉल्स लगाए हुए हैं वो बॉम्बे के हर तरफ से आए हुए हैं और स्टॉल लगाए हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो पूरा टेंट लगा है,
ये एक केटरर्स ने लगाए हैं और ऐसे ही आगे बहुत से भी टेंट्स हैं। तो मैंने सब जगह गया, घूमा, देखा, कुछ चीज़ें टेस्ट की, अच्छी भी लगी, कुछ लोगों से भी बात की। और जो भाई से हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले, माशाल्लाह से वो इतने कोऑपरेटिव थे, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी उन्होंने हमें टाइम दिया और बताया हज़रत मुकीम शाह बाबा के बारे में। और दरगाह कमेटी ने किस तरीके से 4 साल बाद, लॉकडाउन के बाद, ये पहला उरूस है, बहुत ही अच्छी तरीके से मुकम्मल हुआ है, तो सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं पीरवाड़ी बीच पे। यहाँ का ब्लॉग अभी नहीं ख़त्म करेंगे, आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे पीरवाड़ी बीच पे। बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला हज़रत मुकीम शाह बाबा के दरबार में, हाजिरी हमने भी दी, दिल हल्का हो गया एकदम। और माशाल्लाह से इतना मन इतना शांत हो चुका है, क्या बोलूँ, बता नहीं सकता वीडियो के अंदर। तो चलिए, यहाँ का दरगाह का जो ये ब्लॉग था वो यहीं ख़त्म करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।